हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्रत्यय, इस प्रत्यय की कड़ी में आज हम लोगों का जो प्रत्यय है वो तव्यत प्रत्यय है। इसके पहले हम लोगों ने अनियर प्रत्यय पढ़ लिया है, अब तव्यत प्रत्यय। तव्यत प्रत्यय का क्या प्रयोग होता है, कहाँ पे होता है, क्या शेष रहता है, इसका क्या नियम है, थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। और यही नियम केवल लगेगा और कोई भी दूसरा नियम नहीं लगेगा। तो हम लोग देखते हैं कि तव्यत प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय किस प्रत्यय की श्रेणी में आता है। तो सभी लोगों को पता होना चाहिए कृत प्रत्यय के अंतर्गत आता है। और कृत प्रत्यय का प्रयोग किसके साथ किया जाता है, तो धातु के साथ किया जाता है। तो उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रत्यय जो मेरा है तव्यत प्रत्यय है, इसका जो पहला नियम है वो कहते हैं कि वर्तमानकालिक कर्मवाच तथा भाववाच में प्रयोग होता है। वर्तमानकालिक कर्मवाच तथा भाववाच में प्रयोग होता है। और उसके बाद दूसरा जो कह रहे हैं कि अगर कोई धातु हो उसमें जब तव्यत प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो उसी पूरे शब्द को पुल्लिंग बनाने के लिए तव्य जोड़ दिया जाता है, स्त्रीलिंग बनाने के लिए तव्या जोड़ दिया जाता है, और नपुंसक लिंग बनाने के लिए तव्यम जोड़ दिया जाता है। और अगला नियम है कि सेट धातु में ई, अगर हमारा कोई सेट धातु, सेट धातु किसे कहते हैं आप लोगों को पता होना चाहिए। हमने इसके बारे में जो है जानकारी भी दी है, और एक बार और देख लीजिए, हमने कहा था कि जिस धातु का वर्तमान काल का रूप तथा भविष्य काल का रूप अपने मूल वर्ण पर हो, क्या हो, अपने मूल वर्ण पर हो। इसका मतलब यह है अगर पठ धातु का, अगर वर्तमान काल का मतलब लट लकार का रूप अगर हम आपको बताएं तो इसका होता है पठती पठतः पठंती। और अगर इसी का लृट लकार माने भविष्य काल का रूप लेंगे तो उसका बनता है पठिष्यति। तो पठती वर्तमान काल का रूप, पठिष्यति भविष्य काल का रूप, इसमें क्या मूल वर्ण जो हम करें, जिस धातु का वर्तमान काल का रूप और भविष्य काल का रूप अपने मूल वर्ण पर हो उसे सेट धातु कहते हैं। और अगर सेट धातु है तो ई की मात्रा का प्रयोग करेंगे, किस पर करेंगे, तो हलंत वाले वर्ण पर किया जाता है। तो इसमें क्या हम बताना चाहते हैं सेट धातु को, ध्यान दीजिएगा, अगर हमने पूछा पठ धातु का मूल वर्ण क्या है, मतलब कि पठ धातु किन किन वर्णों से मिलके बना है, पैदा किन किन वर्णों से हुआ है, तो दो वर्ण है, एक प है और एक ठ है। पठ धातु का मूल वर्ण क्या हुआ, प और ठ हुआ। तो इसी मूल वर्ण, जो मूल वर्ण इसका प और ठ है, इसका अगर वल्लट लकार का वर्तमान काल का रूप पढ़ते हैं तो पठती। तो मूल वर्ण प और ठ है, तो क्या ये वर्तमान काल के रूप में प और ठ मिल रहा है, तो हाँ एकदम दिखाई दे रहा है, पठती मिल रहा है। अच्छा, दूसरे में देखते हैं कि पठिष्यति है भविष्य काल के रूप में, क्या है, पठिष्यति, पावर था दोनों में मिल रहा है। तो देखिए ऐसी जितनी भी धातुओं की जिनका वर्तमान काल का रूप और भविष्य काल का रूप अपने मूल वर्ण पर हो तो उसे सेट धातु कहते हैं। तो अगर हम लोग तव्यत प्रत्यय, सेट धातु में तव्यत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो उस हलत वाले वर्ण पर आपको ई की मात्रा का प्रयोग करना पड़ेगा। और अगला नियम है धातु का अंतिम अक्षर अगर म है तो न में बदल जाता है। अब सबका प्रयोग करके हम लोग देखते हैं कि कैसे क्या करना है, तो इसके लिए हम लोगों को जो भी करना हो वो करेंगे। तो पहले नियम के हिसाब से हम लोग चलते हैं। जैसे हमने ले लिया चल धातु, चल माने चलना, चलती चलता है चलंती, चलिष्यति चलिष्यतः, पर देखिए लट लकार में जो रूप चलेगा उसका ये चलेगा चलती, और लृट लकार में इसका क्या रूप चलेगा, चलिष्यति। तो देखिए चल धातु है, च और ल, तो यहाँ पे च और ल दोनों दिखाई दे रहा है, यहाँ पे च और ल दिखाई, इसका मतलब ये चल धातु कौन सी धातु हो गई, सेट धातु हो गई। और इसी में कौन सा प्रत्यय प्रयोग करेंगे, तव्यत प्रत्यय प्रयोग कर देंगे हम लोग। तो ये बताइए कितने रूपों में हम लोग बना सकते हैं, ये सब तीन रूपों में, कौन कौन से, पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग, तीसरा क्या बना देंगे, नपुंसक लिंग बना देंगे। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर इस चल धातु को जब तव्यत प्रत्यय के साथ प्रयोग कर दे रहे हैं तो अगर इन दोनों को जोड़ करके हमको पुल्लिंग शब्द बनाना हो तो लास्ट में तव्य के, तव्यत प्रत्यय के बदले में क्या जोड़ देंगे, तव्य। तो यहाँ पे हो जाएगा चल धातु प्लस तव्य। तो ये अब एक बात और समझिएगा, ये सेट धातु है, अगर सेट धातु है मतलब कोई धातु है सेट धातु है तो उसमें ई की मात्रा का प्रयोग करेंगे, लेकिन करेंगे कहाँ, हलंत वाले वर्ण पर, हलंत वाले वर्ण पर।
अब देखिए बराबर क्या बन जाएगा, तो बताइए जब चल धातु सेट धातु है तो हलंत वाला वर्ण क्या है, ल है, तो इस पे छोटी की मात्रा का प्रयोग हो जाएगा और ये तव्य जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा चलितव्य। अच्छा, इसको पुलिंग बना रहे हैं तो आपको कोई भी शब्द होगा अगर पुलिंग बना रहे हैं तो वहाँ पे विसर्ग जोड़ना पड़ जाता है, तो आपने आपका जो शब्द बनेगा वो चलितव्य बनेगा। अब इसी को चल धन, अब ई की मात्रा का प्रयोग करना पड़ेगा, ये ई की मात्रा हो गया प्लस आपको तव्या जोड़ देना होगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा चलितव्या। अगर इसी को नपुंसक लिंग बनाना है तो आपका शब्द क्या बन जाएगा चलितव्यम बन गया, बात खत्म। अगर मान लो हम लोग पठ धातु ले लेते हैं, अब आप लोग ही फटाफट बता सकते हो पठ कैसी धातु है, सेट है क्या नीट, बताइए जल्दी से, पठ सेट धातु है सभी लोगों को पता है, तो बताइए ई की मात्रा का प्रयोग तो होगा लेकिन किसके ऊपर होगा, तो हलंत वाले वर्ण के ऊपर, तो आपका शब्द बन जाएगा पठी। अब बताइए पठ धातु में तव्यत प्रत्यय का प्रयोग कर दिया जाएगा, ध्यान दीजिएगा पुलिंग वाला शब्द क्या बनेगा, सबको पता हो गया पठितव्य है, स्त्रीलिंग क्या बनेगा पठितव्य बन जाएगा, और नपुंसक लिंग क्या बन जाएगा पठी तव्यम बन जाएगा, बस खत्म। ये तो इसका प्रयोग होगा। अगर मान लो हम लोग पठ का हो गया, अगर मान लो हस ले लेते हैं, हस माने हंसना, इसी में क्या जोड़ दें तव्यत प्रत्यय जोड़ दें, तो पुलिंग वाला शब्द जल्दी बताइए आप लोग, हंस हंस धातु क्या है, सेट है का नीट, सेट धातु है, तो ये बन जाएगा हसितव्य, स्त्रीलिंग हसितव्या, नपुंसक लिंग हसितव्यम, समझ में आ गया होगा सबको। अब जितनी भी सेट धातुएं होंगी इनके साथ प्रयोग करते हुए आप लोग फटाफट प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा नियम देखते हैं, अगर धातु का अंतिम वर्ण म है तो बदलेगा किसमें, किसमें बदल जाएगा, न में बदल जाएगा। अब वो कैसे न में बदलता है हम लोग ध्यान दे करके देखते हैं। जैसे अगर हमको मिल जाए नम धन तव्यत प्रत्यय, हमने कहा यदि धातु का अंतिम अक्षर म है तो प्रत्यय का प्रयोग करते समय वो किसमें बदलेगा, न में बदल जाएगा। अगर आधा म है तो ये बदलेगा किसमें, आधा न में, तो बताइए नम माने नमस्कार करना होता है। अब ये यहाँ पे देखिए म है तो बदलेगा किसमें, आधा न में, तो बताइए ये न, न तो पहले से ऑलरेडी है ये है, अब ये म किसमें बदलेगा न में। अब देखिए इस तव्यत को अगर पुलिंग पे बनाना है तो क्या जोड़ देंगे तव्य है, तो ये यहीं पे तव्य जोड़ दो तो नंतव्य बन गया। इसी को अगर स्त्रीलिंग बनाना चाहते हैं तब क्या हो जाएगा नंतव्या, इसी को अगर नपुंसक लिंग बनाना चाहते हैं तो नंतव्यम हो गया, बात खत्म। कोई भी नियम नहीं, केवल इतना जानना है कि धातु का अगर अंतिम अक्षर माधा म है तो यही आधा म बदल किस में जाएगा, आधा न में बदल जाएगा, तो नम हम लोगों ने देख लिया। अच्छा अब देखते हैं, ये तो नम वाला हो गया, एक और देखते हैं। जैसे हमको मिल गया गम, गम में तव्यत प्रत्यय जोड़ना है तो आप लोग फटाफट बताइए माँ का परिवर्तन किस में, आधा न में, तो बताइए ये क्या बन जाएगा गंतव्य, स्त्रीलिंग गंतव्य, नपुंसक लिंग गंतव्यम, बात खत्म। तो ये आपका ऐसे बनेगा, फटाफट बनेगा, और जब आप बनाना चाहेंगे तो फटाफट बन जाएगा। अच्छा अब हम लोग चलते हैं कि दूसरे प्रत्यय में, ये प्रत्यय आपका पूरा। हेलो दोस्तों, देखिए अगला जो मेरा प्रत्यय है वो तून प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, तून प्रत्यय है, और इस तुमुन प्रत्यय को हम लोग जो है, तो दोस्तों जो तुमुन प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय का क्या शेष रहता है, केवल केवल तुम शेष रहता है। अगर किसी भी धातु के बाद अगर तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होगा तो केवल केवल इसमें न तो पुलिंग शब्द बनाना है, न तो स्त्रीलिंग बनाना है, न तो नपुंसक लिंग बनाना है, केवल केवल जो भी करना है कुछ तुम, हर धातु के पीछे तुम लगेगा। और पहले चीज जो नियम है इसका थोड़ा सा ध्यानपूर्वक आप लोग भी जानिएगा, कह रहे हैं कि प्रत्यय का प्रयोग करते समय धातु के अंतिम वर्ण में, प्रत्यय का प्रयोग करते समय धातु, मान लो कोई प्रत्यय हम कौन सा प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय प्रयोग कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि धातु के अंतिम वर्ण में अगर ई की मात्रा का प्रयोग होगा, ध्यान दीजिएगा प्रत्यय का प्रयोग करते समय धातु के अंतिम वर्ण में ई की मात्रा का प्रयोग होगा, लेकिन कब होगा, यदि धातु के अंतिम वर्ण में स्वर की मात्रा न हो
तब जा करके अगर किसी धातु में आप तुमुन प्रत्यय का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको एक ही मात्रा का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने पठ धातु ले लिया और इसी में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग कर दिया, तब ये नियम क्या कहता है, प्रत्यय का प्रयोग करते समय, कौन से प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय का, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते समय धातु के अंतिम वर्ण में, अंतिम वर्ण ठ है, ठ के नीचे हलंत है, इसमें कोई भी स्वर नहीं है, कोई भी स्वर नहीं है, बात तो सही है, वर्ण में एक ही मात्रा का प्रयोग होगा। यदि धातु के जो अंतिम वर्ण है उसमें स्वर की मात्रा ना हो तो बताइए, आप लोग देखिए पठ में, पठ धातु का जो अंतिम वर्ण है ठ है, इसमें किसी भी स्वर की मात्रा है क्या, नहीं है, तो बताइए ई की मात्रा का प्रयोग होगा किस पर, अंतिम वर्ण पर, तो आपको शब्द मिल जाएगा पठी, और इसका तुम उनका शेष क्या रहता है, तुम, तो पठ तुम बन गया, बात खत्म। अगर आपको मिल जाए चल, इसी में जोड़ दो तुमुन प्रत्यय, क्या बनेगा, आप लोग फटाक से बताइए, चली तुम। ये सिद्ध कर दिया कि यदि धातु के अंतिम वर्ण में स्वर की मात्रा ना हो तो आपको धातु के अंतिम वर्ण पर क्या लगाना होगा, छोटी की मात्रा का प्रयोग करना होगा, चल तुम, हो गया। अच्छा, अब दूसरा कोई देते हैं, जैसे पा ले लिया, पा बराबर पीना, पिवंती पिता पिवंत, इसमें लगा दिया तुमुन प्रत्यय, बताइए क्या बनेगा, आप लोग बताइए फटाक से, पा तुम। अब बताइए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस पे स्वर की मात्रा है, एक ही है लेकिन आ की मात्रा है, तो इसमें परिवर्तन नहीं होगा, अगर स्वर की मात्रा नहीं है तो आपको लगाना पड़ेगा छोटी की मात्रा का प्रयोग। अगर यहाँ पे दा मिल गया तो दा में आ की मात्रा है, इसी में तुमुन प्रत्यय प्रयोग कर दो तो क्या हो जाएगा, दातुम हो जाएगा, क्या शब्द बनेगा, दातुम, इसका पातुम। अच्छा, अगर आपको भाव धातु मिल जाए और भाव में तुमुन प्रत्यय लगा दिया जाए, आप लोग बताइए क्या बनेगा, तो धातु का अंतिम वर्ण में किसी भी स्वर की मात्रा है, नहीं है, तो बताइए स्वर की मात्रा लगानी पड़ेगी, कौन सी स्वर की मात्रा, ई स्वर की मात्रा लगानी पड़ेगी, किस पर लगानी पड़ेगी, धातु के अंतिम वर्ण पर, धातु का अंतिम वर्ण क्या है, वह है, तो लगा देते हैं, तो ये बन जाएगा धावी तुम, उनका क्या शेष रहता है, तुम, धावी तुम, हो गया, बात खत्म। चल है तो चली तुम, पठ है तो पठ तुम। अब देखिए अगला नियम क्या है, यदि धातु का अंतिम वर्ण म या न हो तो अनुस्वार में बदल जाता है। अगला नियम दूसरा कहता है, यदि धातु का अंतिम वर्ण म हो या न हो तो ये दोनों मिल किस में बदल जाते हैं, अनुस्वार में बदल जाता है। अब देखिए, जैसे हमने कहा ग म धन तुमुन प्रत्यय, बताइए यहाँ पे कि यदि धातु का अंतिम वर्ण म हो या तो न हो तो अनुस्वार में बदल जाएगा, किस प्रत्यय में, तुमुन प्रत्यय में प्रयोग होने पर यही अनुस्वार में बदलेगा और किसी प्रत्यय में ये नहीं बदलेगा, तो ध्यान दीजिएगा, तो गम धातु का अंतिम वर्ण क्या है, म है, आधा म है, ये बदलेगा किस में, अनुस्वार में बदल जाएगा, तो बताइए जब ये अनुस्वार में बदलेगा तो ये ग के ऊपर जाके बैठ जाएगा और तुमुन का क्या शेष रहता है, तुम, तो ये बन गया गंतुम, क्या बन गया, गंतुम। अगर आपको नम धातु मिल जाए और इसी में आपको प्रयोग करना पड़ जाए तुमुन प्रत्यय, तो आप लोग फटाक से बताइए क्या बनेगा, आप ही बता दीजिए, इसका लास्ट वाला वर्ड क्या है, म है, ये किस में बदलेगा, अनुस्वार में, तो अनुस्वार किसके ऊपर, अनुस्वार के रूप में बैठेगा, न के ऊपर, तुमुन का क्या शेष रहता है, ये तो नंतुम बन गया, गंतुम नंतुम। अच्छा, जन माने पैदा होना, अगर न आ गया इसी में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग कर दो, बताइए ये न किस में बदलेगा, अनुस्वार में बदलेगा, किसके ऊपर बैठेगा, ज के ऊपर, यहाँ तुम उनका तुम शेष रहता है, जन तुम हो गया। अगला नियम देखते हैं, अगला नियम, यदि धातु का अंतिम वर्ण म हो तथा धातु के वर्णों का वर्ग समान हो तो अनुस्वार में नहीं बदलता है। ये समय क्या, यदि धातु का अंतिम वर्ण म या न हो तो अनुस्वार में बदल जाता है, लेकिन अगला शर्त यह है, कह रहे हैं कि कोई भी ऐसी धातु आप पैदा करिए कि जिनका जो वर्गों का वर्ण है वो समान हो। जैसे अगर हम ले लेते हैं भ्रम, भ्रम धातु का मूल वर्ण क्या है, भ और म है, भ्रम धातु का मूल वर्ण क्या है, भ और म। हमने पूछा ये भ और म किस वर्ग के वर्ण है, तो आप बताएंगे प फ ब भ म वर्ग, ये प वर्ग के है और म भी किस वर्ग का है, प वर्ग का है भाई, प फ ब भ म, तो प वर्ग का भ भी है, प वर्ग का म भी है,
बताइए दोनों इन वर्णों का वर्ग समान हो गया कि नहीं हो गया? एकदम जाहिर सी बात है, सही एकदम। अब देखिए ये नियम क्या कहता है, यदि धातु का अंतिम वर्ण म हो, तो धातु का अंतिम वर्ण म हो गया, तथा धातु के वर्णों, वर्ण क्या है भ और म है, धातु के वर्णों का वर्ग, इन दोनों वर्णों का वर्ग क्या है, प वर्ग, प वर्ग। तो वही तो कह रहे हैं कि दोनों वर्गों वर्णों का वर्ग समान हो तो अनुस्वार में नहीं बदलता, कौन म अनुस्वार में नहीं बदलेगा, लेकिन तथा ई की मात्रा का प्रयोग होगा, किस पे हो जाएगा, ये तो पुरानी बात है, सब लोग जानते हैं कि अगर ई की मात्रा का प्रयोग होगा किसी भी धातु में तो हलंत वाले वर्ण पर होता है, तो इसमें जब तुमुन प्रत्यय जोड़ दिया जाएगा तो आप बताइए क्या बन जाएगा, भ्रमितुम, भ्रमितुम बन गया, बात खत्म। यहाँ पे माँ अनुस्वार में नहीं बदला, क्यों नहीं बदला, क्योंकि भ्रम भाई साहब एक ही वर्ग के हैं, पवर्ग, तो आपका तुमुन भी प्रत्यय खत्म हो गया। अगला प्रत्यय हम लोग देखते हैं कृतिन प्रत्यय। अक्सर कृतिन प्रत्यय को पूछ लिया जाता है, कृतिन प्रत्यय से आयोग को बहुत ही समझिए पता नहीं क्या हो गया, कृतिन प्रत्यय अक्सर पूछ लिया जाता है, तो कृतिन प्रत्यय का हम लोग बहुत अच्छे से जान और पहचानेंगे। अगला जो प्रत्यय कृतिन प्रत्यय बहुत ही सरल प्रत्यय है, कृतिन का क्या शेष रहता है, ती शेष रहता है दोस्तों, इसका ती शेष रहता है। अब हम लोग देखते हैं फटाफट इसका नियम क्या है कि भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसके साथ, धातुओं के साथ ये प्रयोग किया जाता है, सीधी बात। दूसरा क्या है कि जो कृतिन प्रत्यांत शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हम लोग ये मिल करके जो भी शब्द हमारा बनेगा वो हमेशा हमेशा कौन सा शब्द होगा, स्त्रीलिंग शब्द होगा। अब आप लोग बताइए ये आ है, ये हु है, ये एक तीन प्रत्यय है, तो बताइए आ का आ ही लिख दिया जाएगा, उसके आगे क्या है, हु है, ये एक तीन का शेष क्या है, ती, यहाँ पे जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, आहुति, मेरा शब्द क्या बन जाएगा, आहुति। दूसरा है कि ची धन की तीन प्रत्यय, बताइए एक तीन का क्या शेष रहता है, ती हो गया, ची क्री धन तीन प्रत्यय, बताइए क्री ती, प्रधन आप धन कितन प्रत्यय, ये क्या बन जाएगा, प्र में आ, देखिए प्र में आ की मात्रा लग गई तो ये प्राप्ति बन जाएगा, प्राप्ति है, एक तीन प्रत्यय यहाँ पे पहलंत है, ध्यान दीजिएगा इसको कैसे जोड़ेंगे, आप सभी लोग देखिए जैसे प्र है, प्र में आ की मात्रा लग गई, फिर उसके बाद आधा प है, फिर उसके बाद ती, अब आप लोग जोड़िए प्र में आ मिल गया तो क्या बन गया, प्राप्त, फिर आधा प है, आधा प लिख दिया, फिर त पे छोटी मात्रा है तो ऐसे में लिखा जाएगा, तो प्राप्ति बन गया आपका शब्द जो मिला वो प्राप्ति ही बन गया, तो ये आहुति ही बन गया, ये चित्ति ही बन गया, ये कृति ही बन गया, ये प्राप्ति ही बन गया, एकदम सरल है। कोई भी अगर ये धातु मिल जाती है तो आपको इसका लास्ट में क्या शेष रहता है, ती शेष रहता है, ती ला करके जोड़ दीजिए, ची माने चुगना होता है। अगर आपको जी मिल जाए, जी धन की तीन प्रत्यय, जी माने जीतना होता है, ये क्या बन जाएगा, जीत ही बन जाएगा, बात खत्म। अगर नी मिल गया तो निधन प्रत्यय कितिन प्रत्यय क्या बनेगा, बताइए नीति ही बन गया, एकदम सरल प्रत्यय है, और अक्सर यही पूछता है, क्री में कितिन प्रत्यय लगा करके पूछ देता है, तो ची में लगा दिया चित्ति ही बन गया, कृति बन गया, प्राप्ति बन गया, जीति ही बन गया, आहुति बन गया, तो ये आपका ये तीन प्रत्यय आज इस वीडियो में हमने डाला है, और आप लोग जो है अगला जो प्रत्यय मैं पढ़ाऊंगा वो तीन चार प्रत्यय उसमें भी रहेगा, त्रिच है, त्रिच प्रत्यय का क्या शेष रहता है, अगला जो प्रत्यय है हम लोगों का त्रिच प्रत्यय, त्रिच प्रत्यय का क्या शेष रहता है, त्रि शेष रहता है, मतलब कि किसी भी धातु के साथ अगर त्रिच प्रत्यय का प्रयोग किया जा रहा है तो केवल केवल त्रिच प्रत्यय के स्थान पर आपको क्या लगाना होगा, त्रि लगाना होगा। दूसरा नियम है, एकदम सरल नियम है कि सेट धातु में ई की मात्रा का प्रयोग होगा, अनिट धातुओं में नहीं होगा, तो सेट धातु किसे कहते हैं पता है आप लोगों को, अनिट धातु किसे कहते हैं ये भी पता है आप लोगों को, अगर मेरी सेट धातु होगी उसी में त्रिज प्रत्यय का प्रयोग कर रहे हैं, तो अगर वो सेट है तो ई की मात्रा का प्रयोग हलंत वाले वर्ड पे कर देंगे और उसके बाद नहीं करेंगे। अगर उपधा में कह रहे हैं कि ई की मात्रा है तो ए में बदलेगा, अगर ऊ की मात्रा है तो में बदलेगा, री की मात्रा है तो अर में बदलेगा, तो पहला धातु हम लोग सेट धातु से ही स्टार्ट करते हैं, पठ सेट धातु, अब इसी में त्रिज प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, तो त्रिज प्रत्यय का क्या शेष रहेगा, त्रि शेष रहेगा, अगर सेट धातु है तो ई की मात्रा का प्रयोग होगा, तो किस पर होगा पता है, हलंत वाले वर्ण पर, ये बन जाएगा हलंत वाला वर्ण ठ है, तो ठ की छोटी मात्रा ठी हो जाएगा, तो ये आपका शब्द बन जाएगा पठित्री, ठीक है। तो अगर है, अगर मान लो हंस धातु है, इसी में त्रिज प्रत्यय का प्रयोग कर दिया जाए तो आप लोग बताइए क्या बनेगा, सेट धातु है ये बन जाएगा हसित्री,
अगर चल धातु है मेरा, चल में यही त्रिश प्रत्यय प्रयोग कर दे तो क्या बनेगा, चलित्री। ये त्रिशेष रहता है, फटाफट त्रि लगा दो, बात खत्म, सेठ धातुओं का हो गया। अच्छा अब हम लोग चलते हैं, अगर हमको मान लीजिए अनिट धातु मिलती है, देखिए अगर जैसे नी मिल गया, नी में क्या लगाना है, त्रिज प्रत्यय, शब्द मिला नी का परिवर्तन ए में हो जाएगा तो ये बन जाएगा नेत्री, बात खत्म। अब इससे भी सरल, अच्छा अब ये ई वाला परिवर्तन करना सीखते हैं, ई अगर हमको मिल जाए लिख, और लिख धन त्रिज प्रत्यय, ई की मात्रा का किसमें, ई की मात्रा का परिवर्तन किसमें होगा, ए में। अच्छा लिख जो धातु है ये सेट धातु है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, लिख क्या है, सेट धातु है। तो अब देखिए ई की मात्रा यहाँ पे लगी है तो ये बन जाएगा ले, और ख पे छोटी की मात्रा और त्री, लेखित्री बन जाएगा। क्यों बन जाएगा ख पे, क्यों मात्रा, ये क्योंकि ये सेट धातु है तो हलंत वाले वर्ण पर छोटी की मात्रा लग गई, लेकिन यहाँ पे करें अगर उपधा में ई है तो ए में बदलेगा। उपधा वाला वर्ण बहुत बार मैंने बताया है कि अगर जैसे नम मिल जाए तो हलंत वाले वर्ण के पहले वाले वर्ण को उपधा वर्ण बोला जाता है, इसी को संस्कृत में उपधा वर्ण बोला जाता है। तो देखिए उपधा में ई की मात्रा है तो इसका परिवर्तन ए में हो जाएगा, तो ये लेह बन गया, ये सेट धातु है तो ख पे छोटी मात्रा और त्री जोड़ दिया जाएगा तो लेखित्री बन जाएगा, बात खत्म। अच्छा अब अगर मान लो भू धातु आ गई, भूधन त्रिज प्रत्यय, बताइए ऊ की मात्रा का परिवर्तन किसमें, ऊ आबली बड़ा ऊ, दोनों का ध्यान दीजिएगा ओ में परिवर्तन होगा, तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, भो। और उसके बाद ध्यान एक चीज और समझना होगा, जो भू धातु है ये ऊ की मात्रा का ओ में परिवर्तन हो गया, तो अयादि छंद में आप लोग पढ़े ए बराबर अय होता है, अय बराबर आय होता है, नियम एचो अयावह, और ओ बराबर अव होता है, और औ बराबर आव होता है। यहाँ बताइए ओ की मात्रा है, अगर इस किसी भी स्वर वर्ण पर अगर मान लो को है तो इसको आप कव लिख सकते हैं, अगर भो है तो इसको आप भव लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और भू जो है सेट धातु है, कौन सी धातु है, सेट धातु है, तो आपको जो अगला शब्द मिलेगा वो मिलेगा भव, भव मिल जाएगा, भो बराबर भव। अगर जैसे इसका एक उदाहरण देख लेते हैं, जैसे अगर आपको मिल गया पावन, यहाँ पे आधार हुआ है और प में किसकी मात्रा है, आ की मात्रा है, तो आव, मतलब अगर इस प पे किस स्वर की मात्रा लगा देंगे आव मिलेगा, यहाँ पे देखिए आव के लिए आव की मात्रा, इसका मतलब पौधन अन हो जाएगा तो ये पवन हो गया, पावन हो गया। अगर यही पे ध्यान दीजिएगा, अगर हमने कहा भवन, क्या कहा भवन, देखिए यहाँ से व ले लिया, इधर भ में किस स्वर की मात्रा है, आ की, ये अव हो गया, इसका मतलब ये पहले वाले आधार के पहले वाले वर्ण भ पर किस स्वर की मात्रा होगी, तो ओ की मात्रा होगी, तो ये हो जाएगा भो धन अन, तो ये बन जाएगा आपका भवन। देख लीजिए यहाँ पे भो है तो भो भव में बदल जाएगा, और यहाँ पे त्रिज का क्या शेष रहता है, त्रि शेष रहता है, तब ये जो भो भू धातु है ये सेट धातु है तो इस व पे छोटी की मात्रा लग जाएगी, ये आपका बन जाएगा भवित्री। आई बात समझ में, क्या बन जाएगा, भवित्री बन जाएगा। अच्छा अगर मान लो री की मात्रा का प्रयोग कर लेते हैं हम लोग, अगर री की मात्रा का प्रयोग कर लेते हैं, देखते हैं इसका भी, अगर मान लो हमको क्री धातु मिल गई, इसी में त्रिज प्रत्यय का प्रयोग कर देना होगा, तो बताइए री का परिवर्तन किसमें बदलेगा, अर में, ये बताइए क धन अर यहाँ पे और धन त्रिज का त्री, बताइए क्या बनेगा, क में अ मिल गया तो क बन गया, आधा र बन गया, त्री है तो बताइए कर त्री, क र को उगा के किसके ऊपर, त के ऊपर फेंक देगा, तो बताइए ये शब्द आपका बन जाएगा कर त्री। अगर पूछता है कि कर त्री में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो आप लोग बताएंगे त्रिज प्रत्यय, क्योंकि इसका त्रि शेष रहता है, किसी भी धातु में अगर प्रयोग ये त्रिज प्रत्यय का होगा तो लास्ट में आपको इस मूल वर्ण में, मूल धातु में आपको त्रि की मात्रा, री की मात्रा का प्रयोग करते हुए मिलेगा और दिखाई देगा, तो सीधे आप जान जाएंगे त्रिज प्रत्यय है आपका। तो दोस्तों त्रिज प्रत्यय भी खत्म हो गया, अब आप लोग जो है तो आगे हम जो है तद्धित प्रत्यय स्टार्ट करेंगे। अगला जो मेरा वीडियो होगा वो तद्धित प्रत्यय का होगा, तद्धित प्रत्यय के बाद एक दिन स्त्री प्रत्यय, उसके बाद प्रत्यय खत्म हो जाएगा, फिर एक दिन हम लोग वाच्य परिवर्तन को अच्छे से जानेंगे, फिर उसके बाद विभक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे,
रूप इसी में चलेगा, अनुवाद के नियम चलेंगे, जैसा आप लोग कमेंट करेंगे उसी के हिसाब से हम पढ़ाएंगे। जिस चीज़ की आवश्यकता हो, जो एकदम ना आता हो और आप लोगों को लगता हो कि ये कठिन है, हमारे लिए दिक्कत महसूस करेगा ये, तो उस चीज़ को कमेंट करिए और कमेंट में हम देख करके उस चीज़ को हम आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।